पी ब्लॉक एलेवंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास मेडिकल आई टी मेन और एडवांस के लिए uh, बहुत सिंपल uh, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो दो लेक्चर मैंने इससे पहले कंप्लीट किया है और जिसमें मैंने पी ब्लॉक का क्लासीफाई करना कि कौन सा एलिमेंट का पोजिशन नंबर ग्रुप नंबर और वैलेंसी इनर्ट पेरीफेक्ट उसके सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है से तो, पहले दो लेक्चर में इस लेक्चर में मुझे इनर्ट पेयर इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों आखिर जो बॉटम एलिमेंट में वैलेंसी दो से घटाते हैं वो मुझे समझाना था और टॉप एलिमेंट का वैलेंसी भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट और काफी ईजी है और मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर करके छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक कर करके मैं सिखाता हूँ तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में नंबर वन हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका ये जो पी ब्लॉक है पहले ऐसे बना लेंगे आप पी ब्लॉक तो ये है आपका पी ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपको डिस्कस करना है बॉटम एलिमेंट के लिए हम लोग बात करते हैं बॉटम एलिमेंट सो तो पी ब्लॉक के जो बॉटम एलिमेंट्स हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन सारा डिस्कस कर चुके हैं सो तो बॉटम एलिमेंट के लिए जो वैलेंसी जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर जो बॉटम एलिमेंट फोर बॉटम एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक ऑफ पी ब्लॉक इक्वल टू ग्रुप नंबर माइनस टू सो ये ग्रुप नंबर माइनस ये ग्रुप नंबर मानस टू ये होता इनर्ट पेर इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट ये क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे सो so, यहां लिख लेंगे कि रीजन है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इसके चलते क्या है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट और क्यों लगता है पी ब्लॉक के वाटर एलिमेंट के लिए समझते हैं कोई एक फैमिली ले लीजिए फोर्थ, फोर्थ ग्रुप ले लीजिए फोर्टीन ग्रुप जो है वो आप लेके हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर टू एकदम स्लो स्लो ब्रेक करके लिखते हैं हम लोग तो फोर्थ ए फैमिली फोर्टीन ग्रुप जिसमें है कार्बन सिलिकन और जर्मेनियम टिन, लेट ऐसे इसका जो मोस्ट स्टेबल वैलेंसी और टॉप एलिमेंट का हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोस्ट स्टेबल वैलेंसी टॉप जो है टॉप एलिमेंट का ग्रुप नंबर के बराबर होगा टॉप एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है फोर्थ है उसके बराबर होगा ठीक है ऐसे और बॉटम एलिमेंट के लिए पढ़ेंगे तो बॉटम एलिमेंट लेट का जो मोस्ट स्टेबल वैलेंसी। ग्रुप नंबर माइनस टू ग्रुप नंबर द फोर माइनस टू तो ग्रुप नंबर माइनस टू इक्वल टू टू ये क्यों हो रहा है हम लोग एक एक फैमिली के लिए इस फैमिली के लिए डिस्कस करेंगे कि यहां टू से क्यों आपने घटाया? दम, स्लो स्लो धीरे धीरे सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर लिखे तो सारे एटम्स जो फोर्टीन ग्रुप है इसके लिए एटम्स का एटॉमिक नंबर लिखे मैंने आपको सिखाया है एस ब्लॉक में पी ब्लॉक में भी एटॉमिक नंबर कैसे लिखना होता है तो वो आप लिखे कार्बन जर्मेनियम टिन और लेट सबका एटॉमिक नंबर लिखे मुझे जरूरत है इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत है एटॉमिक इसका जानते हैं सिक्स अगला एटम में अगला एटम के लिए प्लस एट जोड़ा करते थे तो एट जोड़ेंगे तो फोर्टीन हो नेक्स्ट अगले एटम में एटीन जोड़ते थे आप थर्टी टू अगले एडम में फिर से एटीन आप जोड़ते थे तो ये हुआ फाइव जीरो नेक्स्ट एडम में आप थर्टी टू यहाँ थर्टी टू जोड़ते थे और ये हुआ एट्टी टू ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरा कि आपने जो लास्ट में ये फोर्थ पॉइंट पे वो जो टिन है टिन टिन का आपने फिफ्टी लिखा है और ये लेट लेट का आपने 82 लिखा है और यहाँ पे आपने बोला कि मैं अगले स्टेप पे जाऊँगा तो प्लस थर्टी टू जोड़ दूंगा तो आप बता सकते हैं आपने थर्टी टू क्यों जोड़ा आप 18 18 अगले बार में भी 18 ही जोड़ देते तो आपने थर्टी क्यों जोड़ा थर्टी टू इसलिए जोड़ा आपने कि अगर पीरियोडिक टेबल को आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं से इसी जगह के बीच से एंटर कर जाएगा लेंथ नाइट जो लेंथ नाइट सीरीज जो होते हैं लेंथ ए नाइट फोर सीरीज होते हैं वो इसी के बीच एंटर कर रहा है तो आप बोलेंगे कि मैं तो चाह तो रहा था कि एटीन ही जोड़ूँ मैं तो सोच तो रहा था कि एटीन ही जोड़ूँ बट पता चला कि इसके बीच से इसके बीच में चौदह लोग और बैठ गया आकर के छुप करके बैटरियाँ फोटीन लेंथ नाइट फोर्टीन लेंथेनोइड्स लेंथेनोइड्स 4F फोर एफ सीरीज को एलिमेंट बोला जाता है जो एफ ब्लॉक में नीचे दो सीरीज है ना एक फोर एफ होता है एक फाइव एफ होता है तो ये फोर एफ वाला है इसके बीच में आके बैठ गया और यही जब मैंने जोड़ा यहाँ पे तो एटीन प्लस फोर्टीन थर्टी टू तो थर्टी टू एटम बीच में आके बैठ जाए इसलिए मुझे थर्टी टू जोड़ना पड़ा तो ध्यान रखना है कि आपने 18, 18 जोड़ा और फिर 32 जोड़ दिया इसलिए कि यहां से जैसे ही स्टार्ट करेंगे इसके बगल से ही इसी लाइन के बीच में फोर्टीन नॉट बैठ जाते हैं ठीक है जोड़ दिया मैंने उससे क्या फर्क पड़ा बहुत चेंज हो जाएगा वो लेंथेनाइट के आने के चलते पूरा साइंस चेंज हो गया था देखिए आप ये एटॉमिक नंबर तो आप समझ रहे हैं आप सब जानते हैं तो एकदम स्लो स्लो ब्रेक करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे ये लेड लेड 82, टू जेड जेड इज एटॉमिक नंबर ये है इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर जो है वो है एट्टी टू इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन्स ये एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटोन्स को रिप्रेजेंट करता है, है ना प्रोटोन्स जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज़्यादा प्रोटोल्स या आप ऐसे भी कहिए ना आप जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज तो न्यूक्लियर चार्ज होता है प्लस जेड ई यही ना होता है न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पे लेड के लिए प्लस एट्टी टू ई ये है ये न्यूक्लियर चार्ज प्लस एट्टी टू ई प्लस एट्टी टू ई हाई पॉजिटिव चार्ज वेरी वेरी हाई देख रहे हैं 82 82 पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है तो आप लिख लीजिए उसकी जरूरत पड़ेगा तो वेरी हाई वेरी हाई न्यूक्लियर चार्ज सो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है देखिए वेरी हाई न्यूक्लियर चार्ज फॉर लेट लेट के लिए इसके लिए नहीं इसमें तो चलिए कमी है बट इसमें बहुत ज़्यादा लास्ट में जो आपने थर्टी टू किया क्यों ऐड किया क्योंकि लेंथेनाइड गुजरा रास्ते से तो उसके चलते एटॉमिक नंबर बढ़ गया बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं न्यूक्लियर चार्ज भी जानते हैं ये बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज हुआ ठीक है क्या फ़र्क पड़ा आगे देखते हैं कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम टिन, लेड। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स सॉरी टू पी टू प्लीज टू पी टू यही है, कार्बन यही है का ठीक है इसको हटा दीजिए इसको इन दोनों को यही जो सेट है इनको बोलेंगे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे लिखे यहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन सो कंटिन्यू करते हैं कोई कोई आ जाता है कोई तो चल नॉक करते हैं लोग और थोड़ी देर के लिए मैं बंद करके चला जाता हूँ तो सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट है नौ ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड तो ये है कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स है और ये इसके रिस्पेक्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए और ऐसे ही अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लिए पढ़ेंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू के जगह थ्री हो जाएगा यहाँ थ्री एस टू और थ्री पी टू इसके लिए पढ़ेंगे तो एक स्टेप और नीचे आ जाएंगे फोर टू और फोर पी टू इसके लिए पढ़ेंगे तो फोर के जगह फाइव फाइव टू और फाइव पी टू और इसके लिए पढ़ेंगे तो ये है सिक्स एच टू और सिक्स पी टू आप चाहें तो इससे इसकी जगह हीलियम लिख सकते हैं नियन क्योंकि हीलियम टू टू हुआ हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन चें ऐसे भी लिख सकते हैं आपको मन कर रहा है यहाँ पे ऐसे चेंज करने का कर, कर लीजिए यहाँ पे हीलियम हो गया ये हो गया ये बन जाएगा नियन आप कॉन्फिगरेशन जानते हैं हीलियम नियन ये हो गया आर्गन आप चेक कर लीजिएगा आर्गन क्रिप्टन ये क्रिप्टन हो गया ये चेक करिए यह है जेन हो गया ऐसा हो गया इस तरह से तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी आप लिख लेंगे कि यहाँ पे है फिफ्टी और यह है एट्टी टू सिक्स और यहाँ पे है थर्टी टू फिफ्टी एटी टू यहाँ बहुत ज़्यादा आपने जोड़ा है याद रखिएगा थर्टी टू आपने जोड़ दिया चलिए नोट करिए हो गया ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं ना बॉन्ड बनाने में केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन सब पढ़े हुए हैं कार्बन के बारे में तो खूब पढ़े हुए हैं जब आप केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्टिंग किए थे तो फर्स्ट डे तो आप कार्बन ही पढ़े थे वहीं से कार्बन से ही तो हाइब्रिडाइजेशन का स्टार्ट हुआ था तो आप यहाँ पे सिक्स सेवन पॉइंट में आप जब ये कार्बन के बारे में देखेंगे कि ये कार्बन सिक्स है और ये है वन एस टू और ये टू एस टू और टू पी टू ऐसे ये लोग जो हुआ यहाँ पे 2s2 ये जो हुआ 2 इलेक्ट्रॉन और 2p2 ये जो हुआ आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसका ये साइंस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग बनाने में यही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ वही उनकी वैलेंसी हो जाएगी यही कार्बन का वैलेंसी जो है फो मोस्ट स्टेबल बैलेंसी ऑफ कार्बन फोर और कार्बन बॉन्ड बनाता भी है आप जानते हैं कि ये फोर बॉन्ड बनाएगा तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो so, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर ठीक है ठीक है तो, या आप लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यूज इन बॉन्डिंग या आप लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन यूज इन बॉन्ड फॉर्मेशन यूज इन इन बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्मेशन और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के लिए तो पढ़े हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन So, ये इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में हाइड्रेशन में फोर इसलिए वैलेंसी ऑफ कार्बन फोर अब मोस्ट स्टेबल होता है इसका तो इसलिए आप जानते हैं कि वैलेंसी ऑफ कार्बन सो वैलेंसी ऑफ कार्बन फोर जो कि मोस्ट स्टेबल है और आप जानते भी हैं कोई भी कंपाउंड कार्बन का ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में जो भी कंपाउंड बनाते हैं आप बोलते हैं कि कार्बन फोर बाउंड बनाते हुए कोई भी छोटा कंपाउंड बड़ा कंपाउंड जो भी बनाएंगे कार्बन फोर बाउंड बनाता है ये इसकी बैलेंसी फोर होती है जो हाइब्रेशन का स्टार्टिंग में ही डे वन में ही आपने सीखा था बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन और वही इनका वैलेंसी हो जाता है तो क्वेश्चन है कि जब इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर इनका भी फोर इनका भी फोर इनका भी फोर सबका फोर तो इसकी भी तो बेस्ट बैलेंसी फोर होनी चाहिए बट ये अपना फोर बैलेंसी न दिखा करके टू भी बैलेंसी दिखाता है ठीक क्यों तो कार्बन तो क्लियर है ना कार्बन तो आप जानते हैं हाइब्रेशन है में पड़े हुए हैं कि ये उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइज़ कर करके अपनी वैलेंसी अनपेड फोर करते हुए वो अपना फोर बॉन्ड बनाता है जो कि बेस्ट वैलेंसी है अब देखते हैं लेड में क्या प्रॉब्लम है यहाँ भी तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर है लेड में प्रॉब्लम क्या है देखिए एट समझिए फोर लेट फोर लेट जो लेट जो आप यहां पढ़ रहे हैं एट्टी टू और यहां पे जो आपने पढ़ा कि ये चैनन हुआ सिक्स एस टू और ये सिक्स पी टू आप इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लेंगे थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ है लिखने में क्योंकि आर्गन एटीन होता है और दो जोड़ेंगे तो नाइनटीन एंड ट्वेंटी आएगा तो छोड़ दीजिए इसको 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 हटा दीजिए यहाँ पे आप वन एस टू ऐसे तो तो करके तो ये लाइन हटा देंगे थोड़ा सा बस ऐसे कर दीजिए ये लाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा ये इसमें थोड़ा गड़बड़े क्योंकि मैं जब वहां लिख रहा था तभी मुझे पता चला कि यहां गड़बड़ है ठीक है खैर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही है ये सब तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सब में सही ही है ये एक एक स्टेप पर ऐसा बढ़ते रहेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो वो रहेगा ही ये ये करेक्ट है आपका तो लेट के लिए ये हटा देता हूँ मैं ये लेट के लिए ये है आपका लेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है ये है लेट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है अब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि वो कितने लोग बॉन्ड बनाने के लिए जा रहा है इलेक्ट्रॉन में जो कार्बन सिल्कन जर्मेनियम एसन लाइट देखिए ये आप आप ध्यान से देखेंगे तो यहां जब आप बढ़ रहे हैं तो टू टू से बढ़े तो फिर क्या हुआ थ्री थ्री से बड़ा फोर फोर से फाइव फाइव टू सिक्स तो ये देखिए कितना यूनिफॉर्म वे में टू टू से अगला डिस्टेंस थ्री थ्री के बाद अगला डिस्टेंस फोर अगला डिस्टेंस फाइव अगला डिस्टेंस सिक्स बट जब चार्ज बढ़ाने की बात हुई तो चार्ज आपने यहाँ एट जोड़ा और यहाँ आपने एटीन जोड़ा प्लस एटीन जोड़ दिया और यहाँ आपने प्लस एटीन जोड़ा और लास्ट में आपने थर्टी टू जोड़ दिया तो जो बहुत ज़्यादा चार्ज आपने बहुत ज़्यादा चार्ज जोड़ा ना यहाँ पे ये यह तो एकदम यूनिफॉर्म चल रहा है टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक का गैप एक का गैप एक ही का गैप एक ही का गैप सब में यूनिफॉर्म चल रहा है और इधर तो बहुत तेज आपने चार्ज बढ़ाया तो हुआ क्या देखिए लेड लेड में ये जो न्यूक्लियर चार्ज प्लस एट्टी टू ई वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज हाई पॉजिटिव चार्ज हुआ और हाई पॉजिटिव चार्ज में ये जो इलेक्ट्रॉन थर्ड फोर्थ फाइव और सिक्स ये है सिक्स ऑर्बिट ये जो सिक्स ऑर्बिट है और यहाँ जो बैठे हुए थे सिक्स एस टू सिक्स एस टू ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है और सिक्स P2 टू यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो लेट का सिक्स ऑर्बिट में ऐसे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ इस तरह से बैठा हुआ है ना ऐसा तो होता क्या है कि यहाँ पे इतना हाई वेरी हाई यहाँ जो वेरी हाई आप जानते हैं न्यूक्लियर चार्ज हाई और न्यूक्लियर ये जो बहुत हाई जो न्यूक्लियर चार्ज है ना तो वो क्या करेगा कि इसमें से ये दो इलेक्ट्रॉन

फोर्स कम भी होता बट ये तो डिस्टेंस तो आप वन के बाद टू टू से थ्री थ्री से फोर फोर से फाइव फाइव से इधर यूनिफॉर्म चल रहे हैं और चार्ज आपने अचानक यहाँ पे अचानक थर्टी टू जोड़ दिया वो लेंथेनाइट बीच में आया ना लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं अचानक बीच में पैक होके आ गया एटॉमिक नंबर बढ़ गया एटॉमिक नंबर का मतलब न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ते ही ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा बॉन्ड बनाने के लिए जा रहा था ये चारों जा रहा था कि ठीक है हमें चारों लोग जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए तब तक, तक ये न्यूक्लियर न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को सिक्स एस टू को खींच लिया अपने पास खींच के जस्ट रख लिया वो जाने से मना कर दिया तो बताइए वो जो पेयर है ये जो पेयर है नॉन रिएक्टिव अब रिएक्शन करने जाने से मना कर देगा तो ये जो पेयर एक तो पेयर हुआ ये जो पेयर हुआ नॉन रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव का मतलब इनर्ट इनर्ट हो गया तो इसी को साइंस में इनर्ट पेयर इफेक्ट अब जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग वो टू सो इलेक्ट्रॉन यूज इन बॉन्ड फॉर्मेशन इस टू यही लेट का जो बेस्ट वैलेंसी है वो ग्रुप नंबर माइनस टू दो जो है कम हो जाएगा तो ये इसी को बोलते हैं ये जो पेयर है ये पेयर इनर्ट हो गया तो रिलेटिव इनर्टनेस अदर में जाएगा बट ये लास्ट में लास्ट वाला ये जो पेयर है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है ना तो बहुत ज़्यादा एक्सेस न्यूक्लियर चार्ज आप बढ़ाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन निगेटिव है एक पेयर को खींच लेता है जो नजदीक का पेयर है सिक्स टू को खींच लिया उसको जाने दिया बोले कि ठीक है आप जाइए बॉन्ड बनाने के लिए तो इसीलिए दो कम हो जाता है ये हर एक के लिए लगता है मैंने समझाया एक फैमिली को लेकर के बट पी ब्लॉक के बॉटम के हर एक एलिमेंट में लगता है कि ये ग्रुप नंबर माइनस टू तो ये पेयर जो है ये अट्रैक्शन हाई न्यूक्लियर के चार्ज के चलते ये इलेक्ट्रॉन तो ये पेयर जो हुआ वो इनर्ट ठीक है इनर्ट पेयर तो ये पेयर रिएक्शन करने से मना कर देगा अब उसके साथ जाने से मना कर देगा तो इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं द रिलेटिव इनर्टनेस ऑफ एनएस टू इलेक्ट्रॉन द रिलेटिव inertness of 6 s 2 electron in bond formation it is called inert periphery इनॉट पेर इफेक्ट सो इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते ये दो घटता है so, सो डू डू डु इनर्ट पेर इफेक्ट तो ये दो घटाना होता है वो हर एक ली फॉर बॉटम एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक डू टू इनर्ट पे इफेक्ट द वैलेंसी द वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट

सिक्स एस टू को खींच लेगा जो न्यूक्लियस उसके चलते टू से घटा देना है आपको यह है तो यह है कंप्लीट तो एक्सप्लेनेशन इनर्ट पेर इफेक्ट का कुछ लोग या कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है स्क्रीनिंग इफेक्ट भी उससे भी लोग एक्सप्लेन करते हैं तो करेक्ट सबसे जो परफेक्ट जो आपका एक्सप्लेनेशन तो यही है बट आप स्क्रीनिंग इफेक्ट से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप वो भी लिख लीजिए सीख लीजिए छोटा सा तो है सो so, हम लोग पढ़े हुए हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट एस का स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होता है एस का स्क्रीनिंग पढ़े हुए हैं आप एटॉमिक रेडियस में पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सील्डिंग इफेक्ट पढ़े हुए हैं वहां एस का स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होता है पी का फिर डी का और फिर एफ का हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब ऑर्बिट में स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग जानते हैं ये पढ़े हुए हैं एस का स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा होता है एस सब ऑर्बिट का और एफ सब ऑर्बिट का स्क्रीनिंग सबसे कम एफ सब ऑर्बिट का मिनिमम स्क्रीनिंग मिनिमम स्क्रीनिंग मिनिमम स्क्रीनिंग नेक्स्ट कुछ लोग ऐसे भी इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं और आसान है एकदम छोटा सा तो ये आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन जो है ये ये मान लीजिए हम लोग बात करें कार्बन के लिए तो कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज हुआ प्लस जेड 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 जो है वो सिक्स है तो यहाँ प्लस और सिक्स ई e, ऐसे हुआ और ये फर्स्ट ऑर्बिट है ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ और यहाँ पे है सेकेंड ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ होता है 2s2 और 2p2 ऐसे और फर्स्ट ऑर्बिट में s 1s वन एस जानते हैं आप और यहाँ दो है टू और 2p ऐसे ठीक है ये हुआ ठीक और जब आप लेट के लिए पढ़ेंगे लेट के लिए हम लोग ये सब चीज़ें पढ़े हुए हैं एटॉमिक रेडियस में तो लेट लेड में जहाँ जेड जेड हो गया 82 और बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे प्लस 82 हो गया इलेक्ट्रॉन और वो सिक्स में जाएगा सिक्स ऑर्बिट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स ऐसे तो ये है आपका सिक्स एस टू सिक्स पे टू ऐसे और बताइए इसके पास सिक्स के पास जब सिक्स ऑर्बिट में जाएंगे ठीक है तो इसके पास जो इससे पहले है फाइव है तो फाइव के पास क्या रहेगा तो फाइव के पास है एफ एफ रहेगा उसके पहले आएंगे तो इसके पास डी आ जाएगा इसके पास पी आ जाएगा तो देखिए एस हो गया यहाँ पे जानते हैं फर्स्ट फर्स्ट में वाणिष्ट होता है पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट में न्यूक्लियस हुआ तो क्वांटम नंबर में पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट में एस होता है सेकेंड में एस और पी होता है थर्ड जाते हैं तो एस पी और डी आ जाएगा फोर्थ जाते हैं तो एस पी डी और एफ शुरू हो जाता है यहाँ से फिफ्थ में भी एफ रहता है तो जब देखिए यहाँ यहाँ इसके पास इसके पास जो है काफ़ी क्लोज है एफ उसके बाद है डी उसके बाद पी और एस यहाँ तो इसके पास एस है तो देखिए ये जब न्यूक्लियस है न्यूक्लियस न्यूक्लियस जब इसको खींचेगा इसको जब खींचना शुरू करेगा ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे इसको खींचेगा ठीक है ऐसे खींचना शुरू करेगा अपने पास क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हेल्प मांगेगा हेल्प अपना पड़ोसी जो है उस अपने पड़ोसी से हेल्प मांगता है उसके जो पग, बगल में एफ ऑर्बिट है उससे हेल्प मांगता है कि मुझे बचाओ ये जो खींच रहा है ये ये उसको खींच के अट्रैक्शन करके लेके जा रहा है अट्रैक्ट कर रहा है उसको इनर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ये अपने बगल के पड़ोसी एफ सबऑर्बिट से मदद मांगेगा बट एफ एफ का स्क्रीनिंग रोकने की कैपेसिटी स्क्रीनिंग इफेक्ट सील्डिंग इफेक्ट एस का स्क्रीनिंग क्या है विक वेरी विक स्क्रीनिंग एस रोक ही नहीं पाएगा रोक लेगा यहां पे एफ जो है एफ रोक ही नहीं पाता है यहां अगर ये यह एक तो पहले तो ये कार्बन में पॉजिटिव चार्ज कम है ये न्यूक्लियस इसको खींच ही नहीं पाएगा और खींचने की कोशिश करेगा भी ना तो ये एस ये खींचने की जब कोशिश करता है तो जैसे ही खींचने की कोशिश करेगा एस सामने रास्ते में एस आ जाएगा एस एस का जो होता है हम लोग पढ़े हुए हैं एस का स्क्रीनिंग मैक्सिमम स्क्रीनिंग है ये एस रास्ते में खड़ा हो जाएगा एस एस सब ऑर्बिट वन एस वन एस सब ऑर्बिट और वो खड़ा हो जाएगा वो रास्ते में खड़ा होकर के जस्ट रोक देगा एट्रैक्शन को रोक देगा एफ का स्क्रीनिंग मिनिमम होता है ये सामने खड़ा रहेगा वो लेके चला जाएगा वो रोक ही नहीं पाता है, ठीक है तो इसके चलते यहाँ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन ड्यू टू वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब ऑर्बिट तो इसलिए इसको इनर्ट कर देता है तो ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रोंग अट्रैक्शन डू टू विक स्क्रीनिंग ऑफ एफ सब ऑर्बिट यहां विक एट्रैक्शन यहां विक एट्रैक्शन ये है वीक अट्रैक्शन हुआ फोर्स डू डू हाई स्क्रीनिंग आप लिख लेंगे डू डू हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द एस सब ऑर्बिट तो ये जो आप पढ़े हुए हैं एस पी डी एफ सब ऑर्बिट उससे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ तो एट्रैक्शन एकदम कम हो जाएगा क्योंकि एस आके रोक देगा रास्ते में आकर के यहाँ पे एफ़ आएगा एफ़ का तो कोई मतलब ही नहीं है इतना वीक स्क्रीनिंग होता है एफ सबॉर्बिट का इवन डी डिसबिट का भी स्क्रीनिंग बहुत कम होता है तो इसके जो पड़ोसी हैं इसके पड़ोसी एफ़ हैं तो वो रोक नहीं पाता और न्यूक्लियस खींच के ले आता है और वहाँ पर उसका पड़ोसी एस है वो उसको रोक लेता है तो ये भी एक रीजन है बट सही रीजन है इसमें करेक्ट रीजन है कि एटॉमिक नंबर बढ़ा लेंथ है नाइट कॉन्ट्रैक्शन के चलते एटॉमिक नंबर बढ़ने के चलते न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हुआ तो एक पेयर को न्यूक्लियस खींच लिया बोला कि एक पेयर को मैं जाने नहीं दूंगा रिएक्शन करने के लिए तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हुआ इन नॉट पेयर इफेक्ट क्वेश्चन मैंने इससे पहले जो दो लेक्चर है उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल है बहुत ईजी है सो so, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और डिस्कस करते हैं वैलेंसी टॉप एलिमेंट बी ब्लॉक के लिए